आजसू के द्वारा बुधवार को डुमरी स्थित केबी हाई स्कूल मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो सहित पार्टी के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान डुमरी के दुर्योधन महतो भी अपने समर्थकों के साथ आजसू में शामिल हुए। मौके पर आजसू सुप्रीमो ने दुर्योधन महतो समेत अन्य समर्थकों को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि लोस चुनाव में क्षेत्र की जनता ने अपना सहयोग आजसू को दिया है। ऐसे में डुमरी की जनता से उम्मीद है कि आने वाले 20 में भी वो NDA को पूरा समर्थन देगी। उन्होंने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश के हालात को देखकर अब भी हेमंत सरकार को ठोस विचार करने की जरूरत है। कहा कि संथाल परगना सहित पूरे राज्य को घुसपैठियों ने घेर लिया है और आने वाले दिनों में अगर हेमंत सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करती है तो हालात बदतर होते जाएंगे। कहा कि बड़े बड़े वादे कर 5 सालों तक सत्ता में रहने वाले हेमंत सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, सिवाय कैबिनेट की बैठक कर घोषणा करते रहे और सारे घोषणा पीछे छूटते चले गए। मैं नारायणपुर से चल कर रहे मैं दुर्योधन बाबू को प्रणाम करते हैं। मैं यहाँ बोले हमें कोई क्षेत्र बता दीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा बता दे, कहीं पर इसका डेवलपमेंट का कोई एक रिकॉर्ड कहीं पर है क्या, कोई निशानी है क्या, कोई एक पक्का है? झारखंड मुक्ति मोर्चा विकास के नाम पर राजनीति नहीं कर सकता, इसलिए ये भ्रांता है। आइए विकास की राजनीति के लिए आज सुबह ताकत देना पड़ेगा, बल देना पड़ेगा और हमारा घर की प्रोग्राम आपके लिए होगा कि हर परिवार को, हर वो परिवार जो बाहर है, ये परिवार जो बाहर है, जो बच्चे बाहर है, नहीं चाहे वो योग्य बच्चे हो या फिर साधारण परिवार का बच्चा, इस राज्य के अंदर वो क्षमता तैयार करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की योजना है खाली पद खाली, आप नया पद क्रिएट नहीं कर सकते, बापू 2.5 लाख पद खाली है, आप भर नहीं सकते। चौक चौराहा पर खड़ा होगा 5 लाख नौकरी 1 साल में देने की बात करने वाली सरकार। मैंने हाउस में चुनौती दिया था कि सरकारी 50,000 नौकरी 5 लाख सरकार के जो प्रायोजन है और उनका जो तरीका है काम करने का उसके ऊपर सवाल है। जैसे अबू आवास आया, मैंने उसकी गिनती बताई, 20 लाख लोगों सरकारी रूप से जिन्होंने चयन किया, 29 लाख को आवेदन आया। आज देखो आज के दिन में कितने लाख लोगों को मिला। लोगों को ये सपना दिखता है कि मैं फॉर्म भरूंगा, मुझे ये नियुक्त मेरा आवास बन जाएगा। आज जो हो रहा है ये बजट में होना चाहिए ना, ये सरकारी बजट में होना चाहिए। आपके कमिटमेंट का कोई हिस्सा नहीं है। आपका 2,000 रुपया देने का चूल्हा खर्चा था, आपने उसको पूरा ही नहीं किया। अगर इसको चूल्हा खर्चा के रूप में आ रहे हैं तो आपकी उस योजना के रूप में आना चाहिए। अभी समर्थन मिला है, मैं उन लोगों का पूरा ऋणी हूँ, उन लोगों को ऋण चुकाने के लिए मैं हर संभव तैयार हूँ। संघर्ष जितना भी जन समस्या रहेगा, उस समस्या को जितने मेरे पास जिस वादे में रहेंगे, अपनी औकात में जितना रहेंगे, हम हर तरह का ताकत लगा करके उन लोगों की समस्या को दूर करने में पूरा भरपूर रहूँ। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास।
हमारे शॉप में घर ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए अल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो फिक्स पार्टीशन पीवीसी यूपीवीसी डोर पर्सिलिन स्टील रेलिंग एसीपी स्ट्रक्चर तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक अल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड सीओडी गिरिडीह।